भारत के विभाजन का दंश समेटिए। पाकिस्तान के रावलपिंडी से गोरखपुर आए सरदार बलवीर सिंह ने बुधवार को शहीद इस्फाकउल्लाह खान प्राणी उद्यान में विभाजन की भोगी गई त्रासदी बयां की, तो उनके साथ सुनने वालों की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि 1974 में जब उनका परिवार रावलपिंडी से किसी तरह कानपुर पहुंचा तो माँ ने पड़ोसी से बर्तन मांग भोजन पकाया। अभी किसी ने भोजन किया भी नहीं था कि पड़ोसन ने बर्तन मांग लिए। खाना रखने के लिए बर्तन नहीं था, मां ने फर्श पर ही खाना पलट लिया। सभी सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया। सरदार बलवीर सिंह बुधवार को शहीद इस्फाकउल्लाह खान प्राणी उद्यान एवं हेरिटेज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के सदस्य जगनयन सिंह टीटू, प्राणी उद्यान मुख्य पशु चिकित्सक डॉ. योगेश प्रताप सिंह, हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका डॉ. अनीता अग्रवाल के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। प्राणी उद्यान एवं हेरिटेज फाउंडेशन के सदस्यों ने उनका माल्यार्पण कर एवं शॉल प्रदान कर अभिनंदन किया। बॉबिना रोड निवासी सरदार बलवीर सिंह ने बताया कि देश के विभाजन के वक्त वे 8 साल के थे। उनका परिवार रावलपिंडी में रहता था। पाकिस्तान में बलवीर सिंह के खानदान के करीब 250 लोग की हत्या कर दी गई। बचे हुए लोगों को लेकर उनके दादाजी किसी तरह बचाकर हिंदुस्तान ले आए। परिवार देवबंद कानपुर होते हुए गोरखपुर पहुंचा। माँ ने गोरखपुर में पहला ऊषा सिलाई मशीन सिखाने का सेंटर खोला। 200 रुपये वेतन और एक मशीन बिकने पर 20 रुपये कमीशन मिलता था। परिवार के लोगों ने हार नहीं मानी और मेहनत और ईमानदारी से बढ़ते गए। कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉक्टर रवि यादव, रेंजर राजेश पांडे, प्रशासनिक अधिकारी राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक सत्येंद्र श्रीवास्तव, वन दरोगा रोहित सिंह, जय सिंह, शशिभूषण श्रीवास्तव, संजय सिंह बघेल, हेरिटेज फाउंडेशन के नरेंद्र मिश्रा, अनिल कुमार तिवारी, मनीष शौबे, हेरिटेज वॉरियर्स की संयोजिका मल्लिका मिश्रा, हेरिटेज एवियंस से श्रेयांश समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरदार बलवीर सिंह बताते हैं कि गोरखपुर में उनके परिवार ने बियरिंग, हल और पुल्ली बनाने का काम शुरू किया। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने ट्रैक्टर में लगने वाले बियरिंग खरीदने किसी को भेजा। उन्हें 14 रुपये में दिया तो कीमत जान बड़े महाराज ने मंदिर बुलवा लिया। पूछा कि बियरिंग चोरी का तो नहीं है? बताया कि इसे हम 250 में खरीदते हैं। बलबीर सिंह ने बताया कि 12 रुपये में मिलता है, 1 रुपये मुनाफा और 1 रुपये खर्च जोड़ 14 रुपये में बिक्री करते हैं। इस पर उन्होंने आजमाने के लिए 25 बियरिंग की मांग की। बलबीर ने अगले दिन ही उन्हें उपलब्ध करा दिया। बड़े महाराज काफ़ी खुश हुए, बोले ऐसे ही ईमानदारी से काम करो। बाद में एक वक्त आया जब जमीन खरीदने के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे। अपने अभिभावक बड़े महाराज के पास गए, उन्होंने 10,000 रुपये दिए। रकम के बदले मंदिर के सभी घंटों की मरम्मत का काम दे दिया। सरदार बलवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार को बंटवारे का दंश झेलने वाले परिवारों को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह जरूरी सुविधाएं और सम्मान देना चाहिए। हम भी भारतीय थे, लेकिन शरणार्थी के रूप में आज भी बुलाया जाना पीड़ा देता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताया कि केंद्र की मोदी की अगुवाई वाली सरकार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित कर रही है। नई पीढ़ी जान सकेगी कि देश के बंटवारे में हमने क्या क्या सहा था। डॉक्टर अनीता अग्रवाल एवं जगनयन सिंह नीटू ने कहा कि गोरखपीठ ने पाकिस्तान से विभाजन के दौरान आए लोगों को गोरखपुर में संरक्षण दिया। मोहद्दीपुर एवं गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए अस्थायी रूप से अहम भूमिका निभाई। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हर समय अभिभावक जैसा ख्याल रखते हैं।